हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन टॉक। दिस इज सम्यक एंड दिस इज आयुष। एंड आज अपने साथ में है एक ऐसी गाड़ी जो अलग ही रोड प्रेजेंस के साथ में आती है, एक कूपे स्टाइल्ड गाड़ी है और ये है सिट्रोन की बसॉल्ट। और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 8 लाख रुपीज से 13.5 लाख रुपीज तक। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को दो इंजन ऑप्शन भी मिल जाते हैं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। गियरबॉक्स ऑप्शन भी आपके पास में दो है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। आज हम कुछ ऐसे रीजन फाइंड आउट करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये पता चल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे एक वॉक अराउंड से। पहले देखेंगे बाहर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, फिर इंटीरियर में जाएंगे और फिर इसको चला के एक्सपीरियंस करेंगे कि रोड पे ये चलने में गाड़ी एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं, और क्या आप लोगों को 15 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर खर्च करने चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजाइन से। इस गाड़ी की जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है C3 और C3 एयर क्रॉस से। आप लोगों ने अगर उस गाड़ी को नहीं देखा है तो आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगी, बट अगर आपने उसको देखा है तो डेफिनेटली बिल्कुल सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिजाइन जो है वो कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करती है। बाकी LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्टर में। फॉग लैम्प जो है वो हेलोजन में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स LED है और जो टर्न इंडिकेटर्स जो है वो हेलोजन में है और जो DRL है वो LED में आती है। बाकी यहाँ पर 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के कोई प्रोविजन है नहीं, तो जो बेसिक एमिनिटीज़ आपको चाहिए होती है वो सारी दी गई हैं। बाकी यहाँ पर जो एडॉन्स और जो फीचर्स वाली बात होती है वो चीज़ आगे थोड़ी सी मिसिंग है। अब साइड में से देख लेते हैं कि साइड में क्या कुछ मिलता है। चलिए तो साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहला शेप इतना प्यारा लगता है, कूपे स्टाइल का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम और एक नया लुक मिलता है। आपको पास बेसिक डोर हैंडल्स मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर का यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, चाबी का यहाँ पर एक होल दिया गया जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप चाबी से भी लॉक अनलॉक रिमोट की जो है आपको मिलती है। यहाँ पर रूफ रेल कुछ नहीं मिलती है, प्लस शार्क फिन एंटीना दिया गया है, ये सारी चीज़ें तो आपको इस टाइप से इसकी स्टाइल मिलती है। प्लस ऑटो फोल्डेबल ORVM भी मिलता है, 360 कैमरा नहीं है तो कैमरा भी नहीं है। अब साथ ही अगर मैं बात करूं व्हील्स की तो यहाँ पर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, 16 इंचेस के टायर्स दिए गए हैं, C8 का काफ़ी बढ़िया ये टायर है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180mm का मिल जाता है और साथ ही अगर आप फ्रंट व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। टायर प्रोफाइल 205 और 60R16 जो है वो रखी गई है। अब आ जाते हैं पीछे और देखते हैं कि पीछे इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। तो रियर साइड से आप देखेंगे तो डिज़ाइन कुछ इस टाइप से दिखती है और सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इसका बूट। तो 470 लीटर्स का बहुत ही मैसिव बूट स्पेस आपको मिलता है, आप आराम से अपनी पूरी फैमिली का सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट्स वगैरह की बात आयुष करेगा। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में बेसिक लाइट्स जो है वो मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर वगैरह आप लोगों को हैलोजन के अंदर ही मिलते हैं। पीछे आपके पास में पार्किंग सेंसर जो है वो दिए गए हैं, उसके अलावा डिफॉगर आपको मिल जाता है, स्टॉप माउंट लैम्प दिए गए हैं। बट अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कोई मतलब लाइक आपके पास में वाइपर वॉशर वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कूपे डिज़ाइन में अगर आप कोई भी गाड़ी इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में भी परचेस करते हो, इवन दो अगर आप लैम्बोर्गिनी उरस भी लेते हो तब भी आपको पीछे आपको वाइपर वगैरह या कुछ नहीं मिलता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्ट कटिंग की गई है, बट इट्स अ लाइक कंप्लीट ट्रेंड कि कूपे में कभी भी वो चीज़ नहीं दी जाती है, अच्छा नहीं लगता है वो। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कि अंदर इसमें क्या कुछ गाड़ी आपको ऑफर करती है, कितना कम्फर्ट है, क्या है वो भी देख लेंगे। तो अंदर बैठ के देख लेते हैं। तो अंदर बैठना काफ़ी कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती है। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे हिसाब से आगे की सीट एडजस्टेड है, तो आप देख सकते हैं कितना मुझे नी रूम मिल रहा है, लेग रूम मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। हेड रूम भी आप देखिए मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है और यहाँ पर एक हैंडल बार दिया गया है, दोनों ही साइड हैंडल है बट कोट हुक की कमी है। लाइट यहाँ पर आपको बीच में मिलती है, ये जो है आर्म रेस्ट ये भी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है, इसको हम चाहे तो क्लोज ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से। दो कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं और एक फ़ोन होल्डर दिया गया है। AC वेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ये दो AC वेंट्स आपको मिलते हैं और दो ही टाइप ए पोर्ट है, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिसिंग है जो कि होना चाहिए था। बाकी यहाँ पर UV कट ग्लासेस आपको नहीं मिलते हैं, कोई सन कर्टेन नहीं मिलता है, तो गाड़ी में धूप जो है वो डायरेक्टली आती है। पर ये जो वाइट इंटीरियर्स है इसकी वजह से गाड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं होती, प्लस इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं होती। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है इसका, ये हेडरेस्ट, इसके हेडरेस्ट में आप देखेंगे विंग टाइप हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल तो नहीं है बट अगेन कंफर्टेबल काफ़ी हो जाता है। अगर आप सोना चाहते हैं इस तरीके से तो आपकी नेक को सपोर्ट करेगा और लॉन्ग ड्राइव में आपकी राइड जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल कर देगा। बाकी डोर में बात करें तो डोर में आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत सफिशिएंट स्पेस मिलती है, एक बॉटल होल्डर की स्पेस है, बटन यहाँ पर दिया गया है विंडो रोल अप रोल डाउन के लिए, लॉक अनलॉक डोर को अगर खोलना है तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं और स्पेस अच्छी खासी दी गई है। तो अब चलते हैं आगे की सीट पर और आगे देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अंदर और यहाँ पर आते से आपको बता दूँ कि दो बॉटल यहाँ पर रखी हुई हैं डोर्स में, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। उसके बाद में ये काफ़ी बढ़िया लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मुझे मिल जाता है जो कि अप एंड डाउन तो हो जाता है बट रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपके पास में काफ़ी बढ़िया ये सेंटर में स्क्रीन दी गई है जिसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है,
एसी जो है ऑटोमेटिक मिल जाता है, बट ये जो एसी वेंट्स हैं ये काफ़ी फ्लिंजीस हैं और ये बहुत जल्दी ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो हार्ड होने चाहिए थे, थोड़ा सा इनमें वेट जो है वो और होना चाहिए। नीचे आपके पास में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है जो कि अगेन सारे स्विचेस बेस्ड है और ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। फ़ोन रखने के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, ईजिली आप अपने दो फ़ोन यहाँ पर रख सकते हैं, एक फ़ोन यहाँ पर और एक फ़ोन आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। देन उसके बाद में दो कप होल्डर हैं, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, थोड़ी सी स्पेस इधर भी है, और इधर अगर आप देखोगे तो डिसेंट ग्लव बॉक्स का स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो स्पेशियस है कार और स्टोरेज स्पेसेस भी काफ़ी बढ़िया है। आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी सी स्पेस मिलती है, बट आर्मरेस्ट जो है वो काफ़ी जल्दी आगे पीछे ऐसे हो जाता है। तो ये और एक ये जो एसी वेंट है, ये दो थोड़े से और ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ाइन किए जा सकते थे। और जो स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स दिए गए हैं ये भी इतने अच्छे हैं कि ईजिली आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, और यहाँ पर आपके पास में सोर्स चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, कॉल कट करना है, सब चीज़ें यहाँ से ईजिली हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, कार्ड होल्डर वगैरह, इधर वैनिटी मिरर जो है वो डेफिनेटली आपको मिलता है, बट इनकी साइज़ काफ़ी छोटी है। एग्जांपल ये यहाँ है और मेरे फेस पे अभी भी धूप आ रही है, तो ये एक्सटेंड होते नहीं और लाइक क्वालिटी वाइज भी एकदम डिसेंट ही जो है वो रखे गए हैं, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है। यहाँ पे आपके पास में हैलोजन लैम्प जो है वो मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, ये मैनुअल IRVM आपको दिया गया है। तो यही सभी चीज़ें हैं आपके पास में। आगे आप चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में गाड़ी कैसी ओवरऑल फील होती है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप बल्कि हैं तब भी आपकी बॉडी यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगी। इसकी कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो गाड़ी कितना कंफर्टेबल है वो तो मैं आपको ड्राइव में भी बताता हूँ। तो फाइनली आ गए हैं ड्राइविंग सीट्स पे, और मैं और समय आपको बता देते हैं कि ओवरऑल हम दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी को चलाते हुए। हम लोग पिछले 3-4 दिनों से इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं और लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास अभी हम लोगों ने इस गाड़ी को चला ली है। तो सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको फील होता है कि आप काफ़ी हाइटेड बैठे। Yes. ये चीज लेफ्ट वाले के लिए भी और आई गेस राइट वाले मतलब मेरे लिए भी है कि मेरे को काफी हाइटेड फील होता है, इवन दो जब मैं सीट काफी लो कर देता हूँ तब भी आपको बोनेट वगैरह काफी अच्छा दिखता है, ORVM से व्यू बढ़िया आता है, IRVM से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा बिकॉज ये कूपे है, तो कूपे में कभी भी आपको पीछे IRVM से अच्छा व्यू जो है वो नहीं मिलता है, तो ये एक बात है। और बाकी अब फीचर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो फीचर्स में देखें तो आपको वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले मिलता है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन साइज है, ब्राइटनेस वगैरह सब अच्छी है, बट थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स मुझे लगा ओकेश है, इतना अच्छा नहीं है, बेटर हो सकता था वहाँ पे, थोड़ा सा मतलब ऐसा लैग फील हुआ मुझे टच करने के बाद में, थोड़ा 2-3 सेकंड वेट करना पड़ता है टू फॉर द डिवाइस टू रिस्पॉन्ड, तो वो चीज़ एक मुझे फील हुई। इसके अलावा एसी वेंट्स की जो बात है कि वो मैं हमने वॉकराउंड में भी बताया कि वो बहुत हिलते हैं, मतलब एक जगह स्टिफ नहीं रहते, बहुत ज़्यादा जिटरी है तो बहुत ईजिली जो है वो हिल जाते हैं। उसके अलावा एसी के सारे आपके पास में फिजिकल बटन है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एसी की परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी लगी, अच्छी है परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है। पीछे भी आपको 2 AC vents मिलते हैं जिनकी ब्लोअर स्पीड भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ये सेगमेंट फर्स्ट ही है ये, मतलब ब्लोअर स्पीड एडजस्टमेंट पीछे देते नहीं है बहुत सारे गाड़ियों में, आज ये इसमें आपको वो भी चीज मिल रही है। प्लस स्पेस काफी अच्छी है, मतलब 2 मोबाइल होल्डर्स है, एक वायरलेस चार्जर है आप और एक नॉर्मल फोन होल्डर है, वायरलेस चार्जर आप बंद करके वहाँ पे फोन स्टोर कर सकते हो। 2 कप होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे स्पेस है, डोर के अंदर भी एक बॉटल रखने के बाद में भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है, तो यूटिलिटी स्पेस काफी अच्छी है। हैंडरेस्ट के नीचे भी आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज मिलती है, कम ही है, और ग्लव बॉक्स जो है वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब इतना बड़ा नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली देखें तो छोटा है, कम सामान उसमें आप स्टोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक डेडिकेटेड मतलब एक ट्रे टाइप है, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान स्टोर कर सकते हो। ये चीजें हैं यूटिलिटी और फीचर्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी राइड क्वालिटी के बारे में कि कंफर्टेबल कितनी है, सस्पेंशंस का कैसा ट्यूनिंग है, ब्रेक्स कैसे मिलते हैं आपको, और स्पीड में हाई स्पीड परफॉर्मेंस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर और 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। अब इसमें आपको आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, आप आराम से चलाना पसंद करते हैं, आपको मेंटेनेंस थोड़ा सा लो चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग इंजन चाहिए, आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को ऑप्ट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा पावरफुल पंची इंजन चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए चलाने में, जब भी आप गाड़ी को लेकर जाओ तो पावर की कमी महसूस ना हो, तो आप टर्बो इंजन ऑप्ट कर लो जो कि मैं चला रहा हूँ। बट अगर आपके मन में ऐसा है कि आपको माइलेज भी बहुत बढ़िया चाहिए तो आप मैनुअल गियरबॉक्स ले लो 6 स्पीड का जो मैं चला रहा हूँ। तो ये एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है टर्बोचार्ज इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मतलब लाइक जो बढ़िया राइड क्वालिटी मिल रही है, जो बढ़िया एकदम लीनियर पावर डिलीवरी वगैरह मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है इंजन को, आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा करता है। हाँ NVH भी उतने अच्छे नहीं है गाड़ी के कि बाहर की आवाज़ को इंसुलेशन जो है वो थोड़ा सा कर पाए, बैरिकेडिंग जो है वो अच्छी नहीं है, बैरिकेडिंग अच्छी नहीं है गाड़ी के अंदर, तो वो मुझे लगा। फिर सस्पेंशन बेस्ट इन क्लास, मतलब लाइक
मैं बोल सकता हूँ कि 25 या 30 लाख रुपए में कोई ऐसी गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जितने अच्छे सस्पेंशन इसके हैं। अभी हम लोग टाटा सफारी से भी लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं, उसके सस्पेंशन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसके सस्पेंशन मुझे उससे भी अच्छे लगते हैं। इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी, इतनी अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब करता है, इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस रखता है, कंफर्टेबल राइड, मोस्ट कंफर्टेबल राइड। तो इसके सेगमेंट के ऊपर वाले सेगमेंट से भी बढ़िया सस्पेंशन सेटअप आपको मिलता है, चाहे पीछे बैठो, आगे बैठो, किधर भी बैठो, आपको गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है ना वो बेस्ट मिलेगी। तो अगर आपको सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड या नेक में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आपको ये गाड़ी को चेकआउट करना चाहिए, इससे बेस्ट राइड क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है पूरे सेगमेंट में। करेक्ट है, ये है। फिर ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी हैं, सम्यक ने भी चलाई, मैंने भी चलाई ब्रेकिंग बाइट्स में, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं या ब्रेक्स ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, तो अच्छी तरीके से कैलिब्रेट किया हुआ है ब्रेकिंग बाइट्स में, वो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ सर। सस्पेंशन ब्रेक्स हो गए, इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है, 2000 RPM के बाद में बढ़िया एकदम टर्बो किक इन करता है और बहुत प्यारी पावर आउटपुट जो है वो आपको देती है, 100-120 आप इसके ऊपर कर सकते हो, लगभग 2400 RPM के आसपास में ये 120 की स्पीड पे क्रूज करता है 6 गियर में, बहुत ही बढ़िया है। तो स्वीट स्पॉट जो है वो गाड़ी का वही रहता है कि आप आराम से 100-120 के आसपास क्रॉस कर लो, और इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में इतनी अच्छी स्पीड पे आप क्रूज कर पा रहे हो, यही बोलना बहुत टफ होता है। अदरवाइज हम लोग यही बोलते हैं कि 100 की स्पीड के आसपास इस गाड़ी पे क्रूज करो, इस पे आप 100 से ऊपर 120 तक भी क्रूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड हूँ, कंफर्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ, ब्रेक से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि कुछ ऐसा है। और इवन दो अगर आप सिटी में भी चलते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैंने कल चलाई इसको बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा क्लच बहुत हैवी है, मेरा पैर दुख रहा है, ऐसा वो चीज फील ही नहीं हो रही थी। मतलब ये बहुत ही अच्छी, नहीं तो क्या होता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप होते हो ना, तब आप यही सोचते हो काश मैंने ऑटोमेटिक ले लिया, ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि यार इतना क्लच प्रेस करना है, ये करना है, तो वो बहुत पैर दुखने लगते हैं, थकान फील होती है। इससे मुझे वो चीज थकान फील नहीं है, हम लोग ही बोल देते हैं कि आप ऑटोमेटिक ले लो अगर आपको ट्रैफिक में जाना है, बट ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ट्रैफिक में चलो, आप हाईवे पे चलो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मतलब वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी। शिफ्टिंग भी एकदम स्मूथ है और क्लच का ट्रैवल भी बहुत सॉर्टेड है और लाइट है, तो ओवरऑल चलाने में गाड़ी अच्छी फील होती है। बस यही है कि NVH थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, और अंदर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा साउंड जो है वो आ रहा है, आ ही रहा है। तो वो थोड़ा सा है कि अगर थोड़ा आप गाड़ी को खराब रास्ता वगैरह में कूदा वगैरह देते हो तो अंदर से कहीं ना कहीं साउंड आएगा, बट ठीक है, 4-star रेटिंग आ गई है कल रात में, 10:30 से भारत NCAP से कि 4-star रेटिंग जो है वो गाड़ी को मिल गई है टेस्ट में। ये बहुत बड़ा अच्छा नंबर है, टाटा के बाद में ये पहली गाड़ी है जो इतने अच्छे स्कोर जो है वो करी है। ओवरऑल सेफ्टी का भी यहाँ पे आपका ध्यान रखा गया है। हाँ, अब ये चीज है। इसके अलावा NVH की जो बात हुई उसमें मुझे एक चीज ये भी फील हुई कि जब हम म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं अंदर, अच्छे से साउंड ब्लास्ट करते हैं या ब्लास्ट ना भी करें, नॉर्मल वॉइस पे चलाते हैं हम लोग 5-10 की वॉइस पे, तो भी साउंड जो है बाहर भी जाता है, तो वो चीज डैम्पिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो वो चीज है। प्लस कुछ कुछ चीजों की जो कमी रह गई वो मुझे फील हुई, जो मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं, वो चीज की मुझे कमी फील हुई। पीछे सनब्लाइंड्स नहीं है, यूवी कट ग्लासेस नहीं है, और मतलब जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है धूप एक टाइम के बाद में, कि आप दिन में अगर पूरा दिन की राइड आपको करनी है, ड्राइव आपको करनी है और धूप आ रही है एक ही साइड, तो वो इतना परेशान हो जाएगा बैठे बैठे, चाहे वो ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, वो चीज मतलब फील होती है और वो बहुत ज्यादा जरूरी लगती है। ये तीन चीजें तो स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए कि सनसेट एडजस्ट हो जाए, पीछे सन कर्टन्स मिल जाए, और आपके ग्लास जो है वो यूवी कट गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड मिले, स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, प्लस सनरूफ यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको, खैर वो तो अच्छा ही है, वो तो खैर अच्छा ही है, बट स्टिल कुछ कुछ लोगों के मन में होता है कि नहीं यार सनरूफ होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। और बाकी बेसिक जितने काम की चीजें होती है वो सारी काम की चीजें आपको मिल जाती है। अगेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो थोड़ा सा छोटा है, मतलब छोटा सा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है आपको, बट आजकल मतलब ऐसा ना कि बड़ी बड़ी स्क्रीन मिलने लगी, ये सब होने लगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको, बट अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो सारी मिलती है और इजीली अवेलेबल है। मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ कहाँ मिलेगी, क्या होगा, इजीली आप उसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप कंक्लूजन पे आते हैं, हाँ, कि किसको लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपके पास में एक्सेस है सिट्रन के शोरूम का, तो आप डेफिनेटली जाओ, चेकआउट करो, सर्विस सेंटर वगैरह हैं, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्ट कर सकते हो गाड़ी को। फिर अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो कि जहाँ पर नहीं है शोरूम और आप सोचो कि मैं कहीं बाहर से जाके गाड़ी लेके आ जाऊँ, तो फिर प्रॉब्लम है।
कर, मतलब सर्विस वगैरह की शायद प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जो नॉर्मली दूसरी गाड़ियों में आपको मिल जाएगी, इसमें आपको जैसे उतनी अच्छी फिर अच्छी उस टाइम पे नहीं मिलेगी, वो बात है। हाँ, जितने लोग सर्विस करवाने जाते हैं सिट्रन की वो खुश हैं सर्विस से, बट अगेन सब जगह सर्विस मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक थोड़ा है कि अभी इनका नेटवर्क सर्विस का थोड़ा सा छोटा है जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं, बट ये ऑन व्हील सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर बुक कर दोगे तो 2-3 दिन में इनका ट्रक पूरा आ जाएगा और वो जो माइनर सर्विस है वो पूरी करके जा सकते हैं। मेजर है तो फिर डेफिनेटली आपको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो एक तो सर्विस सेंटर का कंसर्न था, दूसरा आपको अगर ऐसा है कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, चलाने के मामले में अच्छी हो, कंफर्ट हो और आपका इंजन क्वालिटी बढ़िया हो और मेरे को चलाने में मजा है और काम के मेरे को फीचर्स मिल जाए, जैसे एंड्रॉइड और एप्पल कार्ड प्ले, एक बढ़िया म्यूजिक सिस्टम हो और बेसिक जो वायरलेस चार्जर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो जाए, तो उसके हिसाब से बढ़िया है। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल गए हैं जिनके थ्रोज बढ़िया हैं और फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं आपको, और शेप भी मतलब कुछ अलग है, अलग देखने में लोग देखते हैं, लोग देखते हैं मुड़के कि कुछ जा रहा है, लगता नहीं कि 10-15 लाख वाली गाड़ी है, तो ये चीज़ बढ़िया है। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो, बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को तो भैया ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन व्हीकल्स ही चाहिए, सर्विस वगैरह नेटवर्क का पंगा नहीं होना चाहिए, रीसेल वैल्यू मेरे को बहुत बढ़िया चाहिए, गाड़ी 2-3 साल में मैं बेच दूंगा, फिर आपके पास में दूसरे ऑप्शन है, वहां पर आप जाओ तो बेटर है। ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, इसको आप ले लोगे क्योंकि रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी आएगी नहीं, तो अब आपको लेके अगर इसको लंबा यूज करना है तो वो चीज़ डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी गाड़ी में, लॉन्ग लास्टिंग है ये, चलाने में काफ़ी अच्छी है, रिलायबल इंजन और ये जो सारी ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो रिलायबिलिटी के मामले में अच्छा है, बट अगेन सर्विस नेटवर्क ज़रूरी है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं, दिक्कत हो सकती है, तो अगेन वो चीज़ है कि आपके पास शोरूम का एक्सेस है तो ले लीजिए, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शंस भी। और एक और चीज, अगर कर्व से आप लोग कंपेयर कर रहे हो क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पेट्रोल और डीजल में, तो अगेन उससे मेरे को पेट्रोल इंजन अगर आपको गाड़ी लेनी है, ये आपका चूज हो गया है, तो डेफिनेटली कर्व से फिर ये बेटर है। इसका इंजन बढ़िया है, स्मूथ है, उसका भी 1.2 लीटर मिलता है आपको 3 सिलेंडर, इसका भी वही मिल रहा है टर्बोचार्ज, तो इसका भी इंजन स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, राइड क्वालिटी फार बेटर देन नेक्सॉन, कंफर्ट इज फार बेटर देन वो, सॉरी कर्व, नेक्सॉन बोल रहा हूं, ये गाड़ी वही है एक्चुअली, तो वही है कि कर्व के मामले में भी अगर आप पेट्रोल में कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, बट इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है, डीजल अगर आपको लेनी तो फिर कर्व जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज़ वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, नीचे अपने थॉट्स जो है वो कमेंट कर दीजिए, आप ये लेना पसंद करेंगे या फिर कर्व पे जाएंगे या कोई और ऑप्शन आपको चाहिए, और ये भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको इस गाड़ी के बारे में या किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना है तो हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपको 1-on-1 कंसल्टेशन अगर किसी चीज को लेके चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गाइस, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।